हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो असम गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है। जो नौकरियाँ हैं वह दरंग कॉलेज के लिए आया है जहाँ पे 15 ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 वैकेंसी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बिना स्किप के पूरे वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को फ़ायदा होने में मौका देना। और अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके रख देना और बेल आइकन को ऑन करके रखना है डेली इस तरह की जॉब अपडेट का वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया गया है दरंग कॉलेज रिक्रूटमेंट 2023। इसका जो पहला पोस्ट आया है, पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए टोटल 3 पोस्ट आया है, वो अनरिजर्व्ड है। दूसरा जो पोस्ट आया है, पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके लिए 1 पोस्ट आया है, वो एसटीएच के लिए रिजर्व्ड है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे कहा गया है जो पहले वाला एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था उस एडवर्टाइज के तहत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लागू है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर कह रहा हूँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन जो पोस्ट आया है, इन पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो लेकिन आप लोगों को ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जो 3 नंबर पोस्ट आया है, पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी बैरियर। इसके लिए टोटल 10 पोस्ट आया है। अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी एमओबीसी के लिए 3, एसटीएच के लिए 1, एसटीपी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट आया है। 4 नंबर जो पोस्ट आया है, पोस्ट का नाम है चौकीदार। इसके लिए टोटल 1 पोस्ट आया है, वो एससी के लिए रिजर्व्ड है। इन जो पोस्ट आया है, इन पोस्टों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया है। मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन जो पोस्ट आया है, इन पोस्टों के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए। और अगर आप लोग क्लास 10th पास हो तो फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 4 के लिए आप लोगों का हायर सेकेंडरी पास हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अदर क्राइटेरिया दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है एज लिमिट। आप लोगों का एज 18 से लेके 40 तक होना चाहिए आप लोगों का एज। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट का जो रूल्स है, उस रूल्स के तहत आप लोगों का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर लागू है। रेसिडेंसीशिप के बारे में कहा गया है, जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई करेंगे वो कैंडिडेट्स के पास पीआरसी यानी कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर दरंग कॉलेज रिक्रूटमेंट, आप लोग इसके लिए किस तरह की अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का जो पार्ट 9 का स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, वह फॉर्म से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों का जो कम्प्लीट बायोडाटा आप लोगों को फिलअप करके, आप लोगों का फोन नंबर डाल के और आप लोगों का जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट मार्कशीट सब डॉक्यूमेंट्स जेरस करके आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना होगा। और जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो 24/12/2022 यानी कि दिसंबर 26 तारीख इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उस दिन से लेके आप लोगों का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन 15 दिन से पहले आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना होगा। जिस एड्रेस में आप लोगों का एप्लीकेशन पहुंचना होगा वो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, प्रिंसिपल दरंग कॉलेज तेजपुर, पोस्ट ऑफिस तेजपुर 784001। फोन नंबर दिया गया है 03712220014। इस फोन में आप लोगों का कॉल करके डिटेल्स भी जान सकते हैं। और इसके बाद कहा गया है, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह फॉर्म के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट देना होगा 1000 रुपीस का, जो ग्रेड 3 के लिए 1000 रुपीस और ग्रेड 4 के लिए 800 रुपीस आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, वो भी नॉन रिफंडेबल है, आप लोगों को बैक नहीं किया जाएगा। जो एड्रेस आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर लिखना होगा वो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल दरंग कॉलेज पेयबल एट SBI मेन ब्रांच तेजपुर। इसका IFSC कोड दिया गया है SBIN 0000195। इस एड्रेस डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर लिख के आप लोगों को भेजना होगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।